हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोमती मुकुल ऑफिशियल। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, नव्या को फीवर है ना, तो इसलिए मम्मी बोली क्या कि मम्मा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे आलू का पराठा बना दो। तो मैंने आलू का पराठा बनाना चाहिए। आलू पराठा बनाने नहीं आता गरम गरम है, गड़बड़ हो रहा है। बट कर लेंगे, कोशिश कर रहे हैं। गड़बड़ हो गया आप लोग बताइए मेरा पराठा आलू का कैसा बना, कमेंट करके। मेरा पराठा कैसा बना आप लोग बताइए। इस बार अच्छा बनाऊंगी, इस बार नहीं बना, इस बार कोशिश कर रही हूँ। इधर मैंने इसको बनाया, ये पराठा। सॉस के साथ एकदम डिप करके सॉस के साथ एकदम डिप करके
हम ही खा लेते हैं। आज इसका स्कूल बंद है, नव्या का, ये छोटी और नव्या का। आलू पराठा खाने के बाद नव्या थोड़ी देर सो गई, उसके बाद अजीब बुखार उसको आ गया, हाथ पैर पूरा कांपने लगा और ये अजीब जैसे करने लगी। तब फिर मुझे डर लग गया, तब मैं इसको हॉस्पिटल लेके गई। तब वहाँ दिन भर हॉस्पिटल में मुझे दोपहर से लेके शाम तक हो गई, शाम या रात होने वाली है, 7 बज चुका है। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद सारा जांच हुआ, इसका ब्लड टेस्ट ही अभी शाम के 7 होने चली है। मैं अभी हॉस्पिटल से घर आई हूँ और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले दिखाया कि नव्या को मैंने आलू पराठा खाने को दिया, उसके बाद उसको अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, अचानक से फीवर और कांपने लगी, पूरा बॉडी इसका काम नहीं कर रहा था। रात में भी 4 बजे 3:30 बजे से ही परेशान थी। फिर मैंने उसको मेडिसिन दिया, तेल लहसुन गर्म करके दिया, फिर जाके थोड़ा आराम हुआ। फिर दोपहर में अचानक से तेज़ बुखार आ गई, तब फिर इसको हॉस्पिटल लेके गए। तो फिर इसका ब्लड टेस्ट हुआ, टेस्ट में पता चला कि इसको डेंगू हो चुका है। तब डॉक्टर ने इसको दवाई सब जो ये नव्या को प्रिस्क्राइब किया गया है, तब डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखे हुए हैं तो उन्हीं के अनुसार मैं बच्चे को दूंगी। और वो डॉक्टर बोले क्या कि न्यूट्रिशन वाले फूड दीजिए और पानी पिलाते रहिएगा कि बॉडी हाइड्रेट रहेगा। और शरीर में भी चित्ता चित्ता हो गया था, ये तो बात मैं बता ही नहीं आप लोगों को, शरीर में लाल लाल पूरा शरीर उसका चित्ता चित्ता हो रहा था और इचिंग भी हो रहा था। तो वहाँ हॉस्पिटल में इसको इंजेक्शन भी लगा और वो रो भी रही थी, हमको पूरा पकड़ के ऐसे रखी थी, मम्मा तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, बोले नहीं बेटा मैं तुम्हारे ही पास रहूँगी। उसके बाद तब मैं इसको घर लेके अभी आई हूँ, और घर आई हूँ तो उसके लिए मैंने काढ़ा बनाया, और अभी काढ़ा और गर्म पानी गुनगुना पानी में मैंने वो आरएस वाला घोल दिया है। तब मिलती हूँ एक अच्छे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।